स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में पहले उसके बारे में जानेंगे। आज के क्लास में लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे और साथ ही साथ उसको कैसे अनलाइक को लाइक में बदलेंगे और कैसे उसके बारे में प्लस करना जोड़ना सीखेंगे उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन होते क्या है। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस उनको कहते हैं हम लोग जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, जिसका नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम होता है उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। 7/4, 3/4, 2/4, इसमें देखिए आप लोग, इसमें सभी का डिनोमिनेटर जो है सेम है, सबका डिनोमिनेटर 4 है, तो इस फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो अनलाइक फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, एग्जाम्पल में 3/5, 2/3, 7/9, इसमें देखिए सबका डिनोमिनेटर जो है सो अलग है, किसी का 5 है, किसी का 3 है, किसी का 9 है। तो ये हो गया आपको लाइक और अनलाइक। अब कैसे, हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कैसे कहेंगे? जैसे एग्जांपल में, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि 1/2 है, 2/3 है और 3/4 है, ये सभी अनलाइक है, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन, इसको हम कैसे लाइक में बदलेंगे? तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एलसीएम, एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, जितने भी फ्रैक्शन हैं उसका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 4 का। तो जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे एलसीएम 12 आएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम हमको 12 आया। जब एलसीएम हमको 12 आ गया तो सारे फ्रैक्शन जो यहाँ पे तीनों फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इस तीनों फ्रैक्शंस में हमको डिनोमिनेटर तीनों में 12 ले आएंगे, तब जब तीनों का डिनोमिनेटर 12 आ जाएगा तो ये लाइक फ्रैक्शन में बदल जाएगा। तो पहले देखिए, जैसे 1/2 है, इसको 12 लाने के लिए 2 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो नीचे 6 से और ऊपर में भी 6 से करेंगे, तो ये हो गया 6/12। दूसरा में जैसे 2/3 है, 3 है नीचे में, तो इसको 12 लाने के लिए हम लोग कितना 3 में का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 12 आएगा तो 4, तो मतलब नीचे में 4 से करेंगे तो ऊपर में भी 4 से करेंगे। और जो तीसरा फ्रैक्शन है 3/4, 4 में कितना से गुणा करेंगे तो 12 आएगा 3 से और इधर, तो ये हो गया 9/12। अब देखिए इसका आया, पहला वाले फ्रैक्शन में 6/12 है, 8/12 है और तीसरा 9/12। अब देखिए इस तीनों में सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर 12 आ गया, तो इस प्रकार हमने इसको लाइक, इस अनलाइक फ्रैक्शंस को हमने लाइक फ्रैक्शन में, आंसर इसका लिखाएगा, अगर लिखा जाए क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 6/12, 8/12 और 9/12। इस प्रकार जो है हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में बदल सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एडिशन,
एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस। सर पहले हम लोग लाइक फ्रैक्शंस का ऐड सीखेंगे। ऐड में जैसे 1/9 है, 2/9 है और 4/9 है। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहता है, जब लाइक फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो उसमें कुछ नहीं करना है, केवल जो न्यूमरेटर है उसको, तीनों को हम लोग, जैसे 3 है तो इसमें तीनों डिनोमिनेटर को हम लोग लिख दिए हैं, जोड़ देंगे ऊपर में, तो ये हो जाएगा 7/9। इसका आंसर हो गया डायरेक्ट 7/9। लाइक फ्रैक्शन के जोड़ में कुछ नहीं करना है, केवल न्यूमरेटर को, जो जितने भी फ्रैक्शन है उनको न्यूमरेटर को केवल जोड़ देना है उसके बाद। अब ये तो है लाइक फ्रैक्शंस के लिए। जब अनलाइक है, अनलाइक फ्रैक्शंस है तो उसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे? जैसे एक क्वेश्चन है 1/4, 3/9 और 2/3 और 7/9, इसको हमको प्लस करना है। तो देख रहे हैं कि ये तो अनलाइक है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सब अलग अलग है। तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 3 एंड 9। तो जब एलसीएम निकालते हैं तो देखते हैं ये 4 है पहला, दूसरा 3 और तीसरा 9 है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले कम से कम हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, अगर प्राइम नंबर से करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला 2 होता है प्राइम नंबर, 2 से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही अंक है 2 से लगने वाला। तो जब इसका एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले कम से कम जिससे वन लगा है उससे कम से कम 2 अंक लगना चाहिए। तो 2 से तो केवल एक ही अंक लगने वाला है यहाँ तक, उसके बाद देखेंगे 3 और 9 जो है सो 3 से लगना। तो सबसे पहले हम इसको 3 से ही लगाएंगे। अब इसका, अब तो ये 4, 1 और 3 ये तीनों ही अलग अलग है, किसी से लगने वाले नहीं है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको 36। एलसीएम हमको आ गया 36। अब 36 जब आ गया एलसीएम, तो जितना हमको एलसीएम आया उस सबको हम लोग डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे बारी बारी से। जो एलसीएम है उसको हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करिएगा तो हर नंबर का आपको क्वोशेंट आएगा। जैसे हर में पहला में हमको 9 आया है, दूसरा में 12 आया है और तीसरा में 4 आया है। उसके बाद जिसके पहले जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम डिवाइड किए हैं, जैसे 4 से हमने डिवाइड किया तो 9 है, अब उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से हमको ऊपर वाले को गुणा करना है। 1 × 9 प्लस दूसरे वाले को 2 × 12 प्लस 7 × 4। 1 × 9 करेंगे तो 9 आएगा, 2 × 12 24 आएगा और 7 × 4 = 28 आएगा। अब इसको हम लोग तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। (61/12) आया जोड़ने पर। जब ये, अब ये जो हमको 61/12 हुई है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इम्प्रॉपर कैसे है, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है। पिछले क्लास में जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया था, जितना भी लाए प्रॉपर इम्प्रॉपर, इस आधार पर ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है सो बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। जब इसको हम लोग मिक्स में बदलेंगे तो 12 को जब हम लोग 12 से 61 को डिवाइड करके 5 बार में लगेगा, 12 × 5 = 60 हो गया, 1 बच गया। तो जो क्वोशेंट आया 5 ऊपर लिख देंगे, ये होल नंबर हो गया, 1 जो है सो ऊपर लिखा गया, 12 जो है सो ये इसका आंसर